हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टेलीस्कोप का दो पार्ट था, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, अपवर्तक दूरबीन, परावर्तक दूरबीन। अपवर्तक दूरबीन फिर तीन तरह का था, एक था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हिंदी में खगोलीय दूरबीन, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हिंदी में स्थलीय दूरबीन। इसका काम हम लोग कर चुके थे, आज इसका काम करेंगे। इस टेलीस्कोप में हम लोग देखे थे कि इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना था, तो ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर था तो इसका प्रतिबिंब नीचे बना था, इधर पहला लेंस होता था इसके द्वारा यहां प्रतिबिंब, फिर दूसरा लेंस होता था इसके द्वारा यहां प्रतिबिंब। तो वस्तु ऊपर था, प्रतिबिंब नीचे बनता था। मतलब अगर ऊपर कोई भी वस्तु, फॉर एग्जांपल कोई वृक्ष ही लेते हैं, हालांकि इसके द्वारा बहुत दूर रखे वस्तु का प्रतिबिंब देखा जाता है, तो अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से खड़ा है, इसका प्रतिबिंब तो उल्टा बनेगा, तो इसका स्टडी करने में परेशानी होगा। इसीलिए अब जरूरत पड़ गया कि इसका सीधा प्रतिबिंब देखना है। तो सीधा प्रतिबिंब देखने के लिए हम लोग टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का स्टडी करेंगे। तो लिखेगा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, हिंदी में कहते हैं स्थलीय दूरबीन। अब कहिएगा डिफिनेशन, परिभाषा। तो परिभाषा जो पिछले वीडियो में हम बताए थे वही इसका भी परिभाषा होगा, दूरबीन का वही परिभाषा होता है। दूरबीन एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो दूरस्थ वस्तुओं का लेंस द्वारा निकट में दिखाई पड़ता है, जो दूरस्थ वस्तुओं को निकट में लेंस द्वारा निकट में दिखाता है, तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप या फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या गैलीलियन टेलीस्कोप, सबका एक ही परिभाषा है, क्योंकि सबका काम है दूर का वस्तु को निकट में दिखाना। आइए अब इसका स्टडी करते हैं। लगभग सब बात एस्ट्रोनॉमिकल का ही मिलेगा, कुछ अलग होगा। याद है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट बहुत दूर में, उसके तरफ जो लेंस रखते हैं उसका नाम होता है ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस दूरी द्वारक अधिक, बड़ा लेंस लेने, बड़ा ताकि ज्यादा से ज्यादा किरण उसमें आ सके। ये है आपका ऑब्जेक्टिव। दूरस्थ वस्तुओं से, दूर रखे वस्तु से समांतर किरण आती है, पैरेलल, ये पैरेलल, अरे यहां लाएंगे, ठीक है, ये देखिए पैरेलल दूर में वस्तु है बहुत बड़ा, ये जहां मिलेगी वह फोकस होगा। थोड़ा जल्दी मिलाएंगे क्योंकि इसका फिगर थोड़ा लंबा आ जाएगा। ये प्रतिबिंब यहां बन गया है। आप कहिएगा सर एस्ट्रोनॉमिकल में भी यही हुआ था, तो हम आपको बार बार बोल ही रहे हैं, कि सब टेलीस्कोप का काम है दूर के वस्तु को निकट में दिखाना, तो काम तो लगभग वही होगा। थोड़ा सा अंतर क्या है कि एस्ट्रोनॉमिकल उल्टा प्रतिबिंब बनाता था, अब सीधा, तो सीधा बनाने के लिए बीच में एक लेंस का काम होगा एक्स्ट्रा। कुछ याद दिलाते हैं, अगर आपको नहीं पता कि ये चीज जानिए,
इसका फोकस अगर यहाँ है सपोज, इसका दोगुना यहाँ होगा और ये फोकस दूरी 2f होगा, 2f। यहां पर वस्तु रख देते हैं। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब हमको बनाना है, तो कम से कम दो किरण एक मुख्य अक्ष के समांतर ले लीजिए, ये फोकस जितना इधर लिए उतना ही इधर भी दे दीजिए, जितना इधर ये फोकस, ये दो फोकस का दोगुना दूरी है, 2f फोकस यहाँ है, तो जितना फोकस यहाँ उतने फोकस यहाँ, तो ये किरण तो फोकस से जाएगी और एक किरण ऑप्टिकल सेंटर से, ये यहाँ प्रतिबिंब बन गया। थोड़ा मोड़ा टेढ़ा हो सकता है। अच्छा, ये जो प्रतिबिंब बना, जरा इस प्रतिबिंब को ध्यान से देखिए, जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा प्रतिबिंब है, ये दूरी जितना है उतने दूरी यहां भी है, हाथ से बनाया हुआ फिगर है, इसीलिए थोड़ा मोड़ा 19-20 हो सकता है, मैनेज कीजिएगा इसको। तो जितना दूरी इधर उतना दूरी इधर भी है। अब अगर इसी वस्तु को ऐसा रखते तो जो काम यहाँ ऊपर में हुआ वह काम नीचे से होता, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता। अगर वस्तु सीधा है तो प्रतिबिंब उल्टा, वस्तु अगर उल्टा है तो प्रतिबिंब सीधा। इसका मतलब साफ है कि अगर किसी भी लेंस में, या ऑब्जेक्टिव भी है, किसी भी लेंस में वस्तु दूरी, किसी भी लेंस में वस्तु दूरी 2f के बराबर होगा तो प्रतिबिंब भी, प्रतिबिंब दूरी भी 2f के बराबर होगा। यानी वस्तु दूरी अगर 2f के बराबर तो प्रतिबिंब दूरी भी 2f के बराबर, जितना बड़ा वस्तु उतने बड़ा प्रतिबिंब, जितना बड़ा वस्तु उतने बड़ा प्रतिबिंब, अंतर प्रतिबिंब उल्टा बनता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है। बाकी वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी बराबर, वस्तु का ऊंचाई प्रतिबिंब का ऊंचाई बराबर। तो अगर यही काम यहां करें, इसी काम को यहां करें, तो ये जो प्रतिबिंब नीचे बना हुआ है इसका, इसका फिर से दोबारा प्रतिबिंब ऊपर बन जाएगा। समझ रहे हैं? ओके। अब यहां पर एक लेंस रखेंगे, इस लेंस का नाम होगा मिड लेंस, हिंदी में मध्यवर्ती लेंस, मध्यवर्ती लेंस। दो किरण, अच्छा ये दूरी कितना है 2f के बराबर, कितना 2f के बराबर, याद रखिए ये दूरी 2f के बराबर। जैसे ही ये दूरी 2f होगा, हाँ पहले लेंस के लिए वस्तु बहुत दूर है, अब प्रतिबिंब है ए डैस बी डैस। अब दूसरा लेंस जो रखे मिड लेंस मध्यवर्ती लेंस, इसके लिए ये वस्तु हो गया। पहले भी समझाएं कि एक लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु होता है। अगर इसके लिए यह वस्तु है तो जितना दूरी वस्तु का उतने दूरी प्रतिबिंब का। अब कहिएगा सर डायरेक्ट काहे कर दिए, काहे को हम सीख चुके हैं, हमको ये पता चल चुका है कि अगर 2f पर वस्तु रहेगा तो उत्तल लेंस के द्वारा 2f पर प्रतिबिंब भी बनेगा, 2f पर
वस्तु हुए पर प्रतिबिंब, जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, अंतर यह उल्टा होगा। इसीलिए अगर ऐसा देख रहे हैं तो इसको यहाँ पर जितना बड़ा यहाँ है उतने बड़ा यहाँ बनाएंगे, पहले बना देंगे क्योंकि सीख चुके हैं। इसीलिए अब ये किरण खींच दीजिए, आप लोग भी जो बनाइएगा स्टेप बाय स्टेप, पहले ये बनाइएगा इसके द्वारा बन जाएगा, तब नजदीक में ही नहीं बहुत दूर में इस लेंस को ले लीजिएगा, नजदीक में लीजिएगा ताकि फिगर भी सुंदर बने और कॉपी से बाहर भी ना हो। एक किरण चली गई मुख्य अक्ष के समांतर लिए, चली गई फोकस से, देखिए ये और ये इसके बीच में ये बिंदु है ना, 2F के बीचों बीच फोकस, 2F के बीचों बीच फोकस, और एक ऑप्टिकल सेंटर से भेज दीजिए किरण, देखिए एकदम मिल गए एडजेक्ट। तो अब ये बताइए अगर इसका नाम ए डैश बी डैश है तो इसका नाम बदलिएगा थोड़ी ना, इसका भी नाम वही लिख देता है, कारण कारण क्या है, कारण है कि जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब है, बड़ा छोटा नहीं हुआ इसीलिए यहाँ नाम ए डैस बी डैस, वहां भी नाम ए डैस बी डैस। अब पहले ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा प्रतिबिंब बना ए डैस बी डैस, इस लेंस के लिए यह वस्तु हो गया, 2F डिस्टेंस पर इसको ला दिए, यानी यह जो बीच वाला है उसको एडजस्ट कर दिए 2F दूरी पर, जितना दूर वस्तु उतने दूर प्रतिबिंब, यानी कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगा, इधर 2F इधर भी 2F, क्लियर। आपको कुछ याद दिलाते हैं प्रीवियस वीडियो का, आप याद कीजिए पिछले वीडियो में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना था, यहां पर जो यह लेंस लगाए इसी का नाम हो गया था आई पीस, आई के पास, यानी आंख इधर आंख से देखते थे, आंख के पास वाले लेंस को आई पीस कहते हैं, यही था आई पीस। लेकिन उस समय अगर यह आई पीस था तो प्रतिबिंब उल्टा बना था, लेकिन आज क्या किए हैं कि ऑब्जेक्टिव के द्वारा जो प्रतिबिंब बना या उल्टा, तो बीच में लेंस लगा करके इसका सीधा प्रतिबिंब आ गया। अब इसका जब सीधा प्रतिबिंब आ गया तो अब आई पीस रखेंगे, अब आई पीस इसी को देखते हुए रख लीजिए, इसका नाम दे देंगे आई पीस। आप जानते हैं आई पीस को आगे पीछे कर सकते हैं, तो आई पीस के लिए यहां ई लिख देते हैं और इसको ऐसा एडजस्ट करते हैं कि इसका फोकस यहीं आ जाए, इसका फोकस इसी पर आ जाए, तो एफ ई। इसको आगे पीछे कर सकते हैं तो ऐसा एडजस्ट करेंगे इसका फोकस यहीं आ जाए। अब ध्यान से, ऑब्जेक्टिव के द्वारा बहुत दूर रखे वस्तु का, बहुत दूर रखे वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना उल्टा, मिड लेंस क्या किया, मिड लेंस को ऐसा व्यवस्थित किए यह पहले लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु, यानी ऑब्जेक्टिव के लिए ए डैश बी डैश प्रतिबिंब, यही ए डैश बी डैश मिड लेंस के लिए, मध्यवर्ती लेंस के लिए ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब यहां बना, अब यह प्रतिबिंब आईपीस के लिए वस्तु का काम करेगा, समझ गए, क्लियर, ओके। अब अगर बात करें, हाँ कहाँ थे, हाँ तो
अब यहाँ पर दो किरण फिर खींचेंगे, जितना एफ इधर लिए हैं उतना एफ इधर भी लीजिए, एफ ई डैश भी ले सकते हैं। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से जाएगी, फोकस से, फोकस से चली गई, और एक किरण ऑप्टिकल सेंटर से। यहां पर आपका आई है, आप ध्यान दीजिए, पहले जो आप देखते थे इधर से देखते थे उल्टा प्रतिबिंब, अब आप सही जगह आए हैं, सीधा प्रतिबिंब देख रहे हैं। पहले क्या था कि मचान पर चल के देख रहे थे ऐसे, नहीं जी, बात कुछ भी है, बट सही बात तो यही है कि पहले उल्टा प्रतिबिंब देख रहे थे, अब हम लोग वस्तु ऊपर था और प्रतिबिंब भी अब आपको ऊपर दिखेगा। अब ये दिखेगा कहाँ, ये तो पैरेलल हो गई, पैरेलल हो गई तो मिलेगी नहीं आपस में, तो कहाँ समांतर किरणें अनंत में मिलती हुई मानी जाती है। ये प्रतिबिंब आपका इमेज बन गया एट इन्फिनाइट अनंत में। अब रहा बात की सर अनंत में प्रतिबिंब बन गया, हमको देखना है स्पर्श दर्शन के न्यूनतम दूरी में, तो कोई बात नहीं, आप जानते हैं इसको तो आगे पीछे कर सकते हैं, इसको थोड़ा और आगे ले आइए, इसको जैसे ही आगे ले आइएगा तो एफ ई यहाँ से यहाँ आ जाएगा और आपका स्पर्श दर्शन के न्यूनतम दूरी पर बनने लगेगा। वो भी कर लेते हैं, हमको कुछ बात बता दीजिए। इसके लिए ये फोकस है, इसके लिए प्रतिबिंब भी है, ये एडेस बिडेस ऑब्जेक्टिव के लिए एडेस बिडेस प्रतिबिंब भी है, और ये बिंदु फोकस, यहाँ एफ ओ दिखा देते हैं, एफ ओ, तो यहां से यहां तक हो गया एफ ओ, यहां बड़ी है क्योंकि ये फोकस बिंदु है, फोकस मेन फोकस से फोकस, और ये दूरी है तो फोकस दूरी। चलिए यहां से यहां तक एफ ओ, फिर यहां से यहां तक टू एफ, टू एफ पर वस्तु, तो टू एफ पर प्रतिबिंब, इसके लिए ये वस्तु है ये प्रतिबिंब है, टू एफ इधर टू एफ इधर, इसके लिए भी तो फोकस यहां है, ये रहा एफ ई, यानी टेलीस्कोप का लंबाई, और लंबाई देखिए ये थोड़ा मोड़ा लंबाई नहीं है, ये बहुत बड़ा लंबाई है, इसको अरेंज करने में परेशानी होता है, यह सब डिफेक्ट टेलीस्कोप का। खैर प्रतिबिंब आपका बन गया अनंत पे, अब इसमें अगर मैग्नीफिकेशन लाते हैं, क्या मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन में जैसे प्रीवियस वीडियो में काम किए थे उसी तरह यहां भी करेंगे, ध्यान से देखते जी मैग्नीफिकेशन अब टेलीस्कोप, सूत्र होता है एम बराबर प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, आइए प्रतिबिंब कहाँ, तो प्रतिबिंब अनंत में है, इसके द्वारा कोण यहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब द्वारा बना कोण बीटा, प्रतिबिंब द्वारा बना कोण बीटा, यदि प्रतिबिंब द्वारा बना कोण बटे वस्तु द्वारा बना कोण, वस्तु द्वारा बना कोण ये है, वस्तु द्वारा बना कोण अल्फा, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, क्योंकि दो लाइन कट करती है एक दूसरे को, आमने सामने का कोण बराबर होता है। ओके तो सूत्र के हिसाब से मैग्नीफिकेशन एम बराबर प्रतिबिंब द्वारा बना कोण बटे वस्तु द्वारा बना कोण, प्रतिबिंब द्वारा बना कोण बीटा बटे वस्तु द्वारा बना कोण अल्फा। आगे कई बार आपको बताएं कि टेलीस्कोप ऐसे लीजिएगा तो समांतर किरण जब टेलीस्कोप में आएगी लेंस में पड़ेगी, तो चूंकि लेंस टेलीस्कोप ऐसे व्यवस्थित करते हैं तो उसमें जो प्रकाश किरण आएगी उसके लिए यह कोण बहुत छोटा है, और यह कोण बहुत छोटा होगा तो यह भी छोटा होगा, यह भी छोटा होगा, और इसके द्वारा यहाँ भी कोण छोटा बनेगा,
तो जब छोटा कोण हो जाएगा अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा जैसे छोटा कोण होगा तो अल्फा टेन अल्फा, बीटा टेन बीटा, यानी अल्फा बीटा टेन अल्फा बीटा बदल जाएगा। फिर से अल्फा बीटा छोटा, अल्फा बदल गया टेन अल्फा में, बीटा बदल गया टेन बीटा में। एम यहां रख दीजिए, बीटा जगह टेन बीटा, अल्फा जगह टेन अल्फा। इसको सॉल्व कीजिएगा वही सब आएगा, इससे पहले भी कर चुके हैं हम लोग, कर ही देते हैं। टेन बीटा, जल्दी जल्दी, बीटा के सामने टेन में लंब बटे आधार, लंब ए डैश बी डैश बटे आधार ई ए डैश, ए डैश बी डैश बटे ई ए डैश। अल्फा के लिए, अल्फा के लिए इसके सामने लंब ए डैश बी डैश बटे आधार ओ ए डैश, ए डैश बी डैश बटे ओ ए डैश। ये लिख दिए, ये उलट गए, ए डैश बी डैश कट गया, ओ ए डैश बटे ओ ए डैश बटे ई ए डैश। ठीक है, ओ ए डैश, ओ से ए डैश प्लस में एफ ओ, ई ए डैश, ई ए डैश, ई ए डैश। तो आपको बता दें इसके लिए यह वस्तु, तो आप इसको वस्तु दूरी भी कर सकते हैं, यू ई। इसके लिए यह वस्तु है, ए डैश बी डैश इसके लिए वस्तु है, तो वस्तु दूरी यू ई, और यही वस्तु दूरी चूंकि फोकस भी यही है तो यू ई एफ ई के बराबर है। तो इधर माप रहे हैं ना, देखिए ई ए डैश, ई से ए डैश इधर माप रहे हैं, किरण जिधर जा रही है उसका उल्टा, ई ए डैश यू ई माइनस में होगी। इसको सीधा सीधा लिखेंगे तो माइनस एफ ओ इंटू वन बाय यू ई। और आपको जरा ध्यान दिलवा दें, एम बराबर माइनस एफ ओ बाय यू ई आया था, और यू ई के जगह एफ ई लिख सकते हैं। क्यों लिख दीजिएगा, फ्रॉम फिगर यू ई इक्वल टू एफ ई, ये सूत्र आ गया। ये सूत्र किसका, एम का। अब एल का अगर सूत्र निकालें तो एल का सूत्र देखिए, दोनों लेंस के आगे ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का दूरी, तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का दूरी यहां से यहां तक हो जाएगा, पूरा एल हो जाएगा। तो यहां से यहां तक कौन कौन आया, एफ ओ का मोड भी लिख सकते हैं, प्लस टू एफ टू एफ, फोर एफ प्लस एफ ई। क्या सूत्र वही आया जो एस्ट्रोनॉमिकल में आया था, अनंत में प्रतिबिंब एस्ट्रोनॉमिकल में जो बना था, एस्ट्रोनॉमिकल में इधर नहीं इधर बना था, यानी यही काम इधर हुआ था, ये नहीं था ना, ये नहीं था, ये नहीं था, जिसके वजह से यह जो यहाँ बना या यहाँ नहीं बना, इस यह नहीं रहने का कारण या यहाँ नहीं बना, तो इसको यहीं पर लगाए, इसको जब यहाँ लगाए तो इसका प्रतिबिंब जो यहाँ ऊपर बना है इसका प्रतिबिंब यहाँ नीचे बना। ऐसे प्रीवियस वीडियो देखिएगा सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। हम थोड़ा सा यही चर्चा करेंगे कि ये काम और ये काम एस्ट्रोनॉमिकल में भी हुआ है, टेरेस्ट्रियल में क्या हुआ, बीच में एक मध्यवर्ती लेंस का काम किए जो कि इसका प्रतिबिंब सीधा कर दिया, और प्रतिबिंब जैसे वस्तु ऊपर था प्रतिबिंब भी ऊपर दिखने लगा। बाकी सारा जो देख रहे हैं कैलकुलेशन सबसे कोई अंतर नहीं है। अब आइए, हाँ लेंथ भले बदल जाएगा, पहले लेंथ था एफ ओ प्लस एफ ई, ये एक्स्ट्रा आया क्योंकि ये बीच में लगाया एक्स्ट्रा,